Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. दिवाली है खुशियों का त्योहार और आप सबके जीवन में आए ढेर सारी खुशियाँ हम ऐसी कामना करते हैं। अड्डा 24/7 के पूरे परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। प्यारे दोस्तों, यार जितने लोग सेशन देख रहे हैं एक बार जल्दी जल्दी शेयर कर दो गाइस। ये आप क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस ये जो सेशन है ये आपका प्री रिकॉर्डेड है, तो भाई ये रिकॉर्डेड क्यों है? क्योंकि हम चाहते नहीं कि छुट्टियों में भी आपका समय खराब हो, आप लोग केवल पटाखे जलाएं या मिठाई खाएं, साथ ही साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी करते हैं। तो ये बिल्कुल जनहित में जा रही है आप लोगों के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो यार देखो, शुरू करने से पहले आप लोग करना क्या है कि एक बार वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल, एक बार जल्दी जल्दी शेयर कर दो, फिर शुरू की जाए आज की अपनी क्लास। चलिए कंप्यूटर जी, पहला क्वेश्चन लाइए स्क्रीन पे। बिल्कुल गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान समझो। कह रहा, एक नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तथा धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या है? बच्चे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, शांत, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव है धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में जा रही, कहोगे सर 6 घंटे में। तो धारा के विपरीत का मतलब क्या होता है बच्चे? अपस्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर जाने में बच्चे आपको कितना समय लग रहा है? 6 घंटे। तो इसका मतलब अगर हम आपसे पूछे अपस्ट्रीम आपकी स्पीड कितनी है, क्या अपस्ट्रीम बच्चे आपकी स्पीड कितनी? तो स्पीड इक्वल टू बच्चे क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जा रहे हो बच्चे 24 किलोमीटर और टाइम कितना ले रहे हो? 6 घंटे। तो 6 × 6 = 24 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी बच्चे अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत आपकी चाल कितनी, कहोगे सर 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बच्चे बात करते हैं, जरा ध्यान से समझो क्वेश्चन कह रहा है, और 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाते हो चार कितनी देर में? 4 घंटे में। यानी अगर हम डाउन स्ट्रीम बच्चे आपकी बात करें तो डाउन स्ट्रीम आपकी स्पीड कितनी होगी, कहोगे सर स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना हो जाएगा बच्चे? 5 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे डाउन स्ट्रीम आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, बच्चे अप स्ट्रीम आपकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है एग्जामिनर सर आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो भैया बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं? तो बच्चे आपको मैंने बताया है कि बोट की स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। क्या होता है? 1/2 डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। तो 1/2 डाउन स्ट्रीम बच्चे आपकी स्पीड कितनी, कहोगे सर डाउन स्ट्रीम हमारी 5 है और अप स्ट्रीम बच्चे कितनी, कहोगे सर 4। तो ऐड कर देंगे कितना होगा? 5 + 4 = 9, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 9 / 2 कितना होगा, कहोगे सर 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चे आ गई आपकी क्या? बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। अगर हम इसी जगह बात कर लें कि आपकी स्ट्रीम की स्पीड कितनी होने वाली है, तो भाई स्ट्रीम के बारे में अगर हम बात करें, क्या होता है 1/2 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। क्या होता है? 1/2 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। तो 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी, कहोगे सर 5 - 4 कर देंगे तो 1 आ गया। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 किलोमीटर पर आवर। 0.5 किलोमीटर पर आवर बच्चे ये आपकी स्ट्रीम की स्पीड है। तो ध्यान से देखो कि बोट की स्पीड कितनी, कहोगे सर 4.5 और स्ट्रीम की स्पीड कितनी, कहोगे सर 0.5। अब आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको चेक करना आपका आंसर सही है गलत है। बोट की स्पीड है 4.5 और स्ट्रीम की स्पीड है 0.5, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? 4.5 + 0.5 यानी 5 और अप स्ट्रीम कितनी होगी, कहोगे सर 4.5 - 0.5 यानी 4। बोलो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स करके बताइए कि सर क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा। प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट में लिख के बताया करिए, क्योंकि आपको पता है मैं आपके कमेंट्स बहुत अच्छे से रीड करता हूँ। तो भाई जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। चलिए
सभी लोग जल्दी जल्दी बताते रहिए। तो इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से बताओ गाइस क्या होने वाला है इसका आंसर। तो भाई देखो, मैं आपको सॉल्व करने के लिए कुछ समय दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से बताइए गाइस। क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 3 आवर मोर इन अप स्ट्रीम देन इन द डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा बच्चे कि एक नाव एक शांत जल में चाल कितनी कहोगे सर? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और धारा की चाल कितनी कहोगे सर? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसे आप, इस सर्टेन डिस्टेंस को अगर आप अप स्ट्रीम ट्रेवल करते हो और डाउन स्ट्रीम भी ट्रेवल करते हो, तो भाई अप स्ट्रीम आपको डाउन स्ट्रीम कंपेरिजन में 3 घंटे अधिक का समय लगता है। तो पूछ रहा है कि भाई वो डिस्टेंस क्या है। तो जरा ध्यान से समझो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे बच्चे। देखो जैसे मैंने आपसे कहा, ये एक क्या है, ये एक सर्टेन डिस्टेंस है, ये एक नाव, ये डिस्टेंस है मान लो डी किलोमीटर। ये एक डिस्टेंस है बच्चे क्या, डी किलोमीटर। अब आपने क्या किया, ये एक रिवर है और ये बच्चे एक रिवर है और ये रिवर आपकी बह रही है। अब ये रिवर आपकी बह रही, मैंने मान लिया ये आपकी क्या है, स्ट्रीम की डायरेक्शन है, इस तरफ नदी बह रही है, इस तरफ बच्चे आपकी नदी बह रही है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या आपको दिया गया। बोट की स्पीड कितनी है भाई, बोट का मतलब क्या होता है, क्योंकि सर बोट का मतलब होता है बच्चे मैं इन स्टिल वाटर आपकी बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। स्टिल वाटर आपकी बात करते हैं, बहुत ध्यान समझना, इन स्टिल वाटर आपकी स्पीड कितनी कहोगे सर? इन स्टिल वाटर हमारी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। और बच्चे आगे बात करते हैं, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? तो भाई स्ट्रीम की स्पीड बच्चे जो आपको दी गई वो कितनी दी गई कहोगे सर? 2 किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान समझना। अच्छा बच्चों एक बात कम मुझे ही बताओ, अप स्ट्रीम ज्यादा समय लगता है या डाउन स्ट्रीम ज्यादा समय लगता है? तो अफकोर्स अप स्ट्रीम आपको ज्यादा समय लगता है, क्योंकि अप स्ट्रीम बच्चे आपकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो अगर इस डिस्टेंस को अगर मैं अप स्ट्रीम ट्रेवल करूं, अगर बच्चे इस डिस्टेंस को मैं अप स्ट्रीम ट्रेवल करूं, पहले अप स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा हूं, इधर से इस तरफ आ रहा हूं, अप स्ट्रीम ट्रेवल करूं तो कितना समय लगेगा? टाइम इक्वल टू बच्चे क्या होता है कहोगे सर? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी जा रहे हैं कहोगे सर? डी किलोमीटर। और स्पीड क्या होगी? तो भाई अप स्ट्रीम आपकी स्पीड होगी 6 माइनस 2 कर देंगे कितना होगा? 4। तो बच्चे अप स्ट्रीम मुझे इतना समय लगने वाला है, कितना? डी बाई 4 टाइम लगने वाला है। अगर इसी डिस्टेंस को बच्चे मैं डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करूं, इसी डिस्टेंस को अगर मैं डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करूं तो कितना समय लगेगा? क्योंकि टाइम इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कहोगे सर? डी। और इस टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस हो गई बच्चे डी, और स्पीड कितनी होगी कहोगे सर? 6 प्लस 2 कितना हो गया बच्चे? 8। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो बच्चे ये आपका अप स्ट्रीम का समय और बच्चे ये आपका डाउन स्ट्रीम का समय। अगर हम अप स्ट्रीम के समय से डाउन स्ट्रीम के समय को माइनस कर दें तो टाइम कितना आना चाहिए कहोगे सर? 3 घंटे आना चाहिए। बोलो क्लियर है गाइस? अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। देखो एक लाइन, ये तो ऊपर सब लिखा है, तो बच्चे ये तो सब केवल समझाने के लिए मैं आपको कहानी लिखता हूं, लेकिन मेन आपका एक लाइन का आंसर है केवल ये। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट ये लाइन बनाइए, अगली स्टेप पे आपका आंसर हो गया। एलसीएम कितना है कहोगे सर? डी। एलसीएम कितना है बच्चे? 8। 4 का डिवाइड किया कितना है? 2। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2d। डिवाइड किया कितना है? 1। 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे डी। इक्वल टू बच्चे कितना हो गया? 3। बोलो क्लियर? तो डी बराबर कितना होगा? 8 * 3 = 24 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी बच्चे आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है कहोगे सर? 24 किलोमीटर प्रति घंटे। डिस्टेंस बच्चे कितनी कहोगे सर? 24 किलोमीटर। सॉरी बच्चे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बच्चे क्या है? 24 किलोमीटर है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी बताते रहो, एक बार जल्दी, और आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बच्चे घर पे प्रैक्टिस भी करने हैं एक बार फिर से। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए सर क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से बताओ यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखो यार आंसर बताते रहो, क्योंकि आपके साथ ये सेशन मैं भी देख रहा हूँ, तो मैं आपके कमेंट्स प्रॉपर रीड कर रहे होंगे, तो आप लोग भी बच्चे इसके आंसर्स जल्दी जल्दी बताते रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन कह रहा है टू बोट्स ए एंड बी स्टार्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 108 किलोमीटर अपार्ट. स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली. इफ ए प्रोसीड डाउन स्ट्रीम एंड बी अप स्ट्रीम दे विल मीट इन द टाइम ऑफ. तो बच्चे क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है. चलो ध्यान से देखो बच्चे क्या क्वेश्चन कह रहा है. देखो ये एक ये दो पॉइंट है, ये बच्चे दो पॉइंट है ठीक है, जिनके बीच की दूरी कितनी कहोगे सर, जिनके बीच की दूरी है 108 किलोमीटर है. बच्चे क्या है 108 किलोमीटर. क्वेश्चन कह रहा है कि दो बोट टू बोट्स ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रही है. तो भाई जो ए जो पहली बोट है बच्चे वो इस तरफ चल रही है, तो बच्चे किस स्पीड से जा रही है कहोगे सर, स्पीड है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. इन स्टिल वाटर बच्चे इसकी स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर. और बच्चे जो दूसरी बोट इधर से आ रही बी, इसकी इन स्टिल वाटर स्पीड क्या होगी कहोगे सर, इन स्टिल वाटर इसकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर. बहुत ध्यान समझते रहना, कमी कहां लग रही है कहोगे सर, कमी लग रही है कि हमें हमें अब जरा ध्यान से देखो, इसमें एक चीज और कही गई है कि आपकी जो बोट ए है बच्चे वो क्या है टुवर्ड द स्ट्रीम ट्रेवल कर रही, टुवर्ड द स्ट्रीम ट्रेवल कर रही मतलब ये आपकी क्या है बच्चे स्ट्रीम की डायरेक्शन है, ये आपकी बच्चे स्ट्रीम की डायरेक्शन है. तो भाई जरा ध्यान से देखो, क्या आपको स्ट्रीम की स्पीड पता है, क्या आपको बच्चे स्ट्रीम की स्पीड पता है, नहीं ना. क्या अगर नहीं पता तो क्या ये क्वेश्चन बनेगा, अरे डेफिनेटली बनेगा. कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखो बच्चे, अगर हम मान लें कि स्ट्रीम की स्पीड है वाई किलोमीटर प्रति घंटे, क्या है स्ट्रीम की स्पीड है वाई किलोमीटर प्रति घंटे, अगर वाई किलोमीटर प्रति घंटे तो भाई इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी कहोगे सर, इसकी स्पीड हो जाएगी 12 प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे. बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर. और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी कहोगे सर, इसकी स्पीड हो जाएगी 15 माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे. बच्चे ये कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. अब बच्चे आपको पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है कहोगे सर, क्या होती है ऐड हो जाती है. तो भाई इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो भाई अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें तो कितना हो जाएगा 12 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई, तो वाई से वाई हो गया कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा कहोगे सर 27 किलोमीटर पर आवर. कितना हो जाएगा बच्चे 27 किलोमीटर पर आवर. अब 27 किलोमीटर देखो, अगर आपको स्ट्रीम की स्पीड बच्चे नहीं पता थी तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी यहां पे नहीं थी. अब पूछ रहा टाइम कितना लगने वाला है, तो अब आप इजीली निकाल सकते हो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और कैंसिल कर देंगे कितना आएगा 4 घंटे. मतलब भाई 4 घंटे के बाद ये दोनों बोट्स आपस में क्या करेंगी मीट करेंगी. लेकिन अगर यहाँ पे ये पूछ देता कि कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो बच्चों ये इसका आंसर सी एंड डी होता, कैन नॉट बी डिटर्मिनेट होता ठीक है. फिर हम दूरी नहीं निकाल सकते लेकिन हमें टाइम जरूर निकाल सकते हैं कि 4 घंटे के बाद मिलेंगी, ये श्योर है बिल्कुल. एक बार जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए कि सर क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है और समझ में आ रहा है. जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताते रहिए. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसी के साथ. कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए. ये लीजिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. बच्चे देखो इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन दिए हैं, हर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देता पर इस क्वेश्चन मैंने ऑप्शन दिए क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू ही करना सिखाऊंगा. क्योंकि अगर बच्चे हम इसको ऑप्शन के थ्रू नहीं करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और जिसे सॉल्व करना आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है अ बोट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फॉर 14 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम फॉर 9 किलोमीटर इफ द बोट टुक टोटल 5 आवर्स फॉर इट्स जर्नी. ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सॉरी बच्चे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर. ये क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया कि बताओ कि धारा की चाल क्या होगी यदि नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो. तो बच्चे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो. देखो डाउन स्ट्रीम कितना जा रहे हो,
क्योंकि सर डाउन स्ट्रीम हम जा रहे हैं 14 किलोमीटर, तो भाई 14 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, टाइम कैसे निकालते हैं? क्योंकि सर टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो भाई डिस्टेंस जा रहे हैं 14 किलोमीटर और बच्चे डाउन स्ट्रीम हमारी स्पीड क्या होगी, क्योंकि सर डाउन स्ट्रीम हमारी स्पीड होगी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? और बोट की स्पीड है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की वाई मान ली। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कितना जा रहे हैं, क्योंकि सर अप स्ट्रीम जा रहे हो 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर जा रहे हो, और अब यहाँ पे बच्चे स्पीड क्या होगी, क्योंकि सर यहाँ पे स्पीड होगी 5 माइनस वाई इक्वल टू टोटल टाइम, बच्चे कितना लग रहा है, क्योंकि सर टोटल टाइम आपको जो लग रहा है वो 5 घंटे का समय लग रहा है, कितना लग रहा है बच्चे, 5 घंटे का समय लग रहा है। तो गाइस अब कैसे करेंगे इसका, अब देखो यहाँ से आप सहारा लो किसका, ऑप्शन का, देखो बच्चे बोट की स्पीड कितनी, क्योंकि सर बोट की स्पीड है 5, तो भाई एक ऑप्शन देखो 5 दिख रहा है ना, ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बोट की स्पीड जो होती, जो बोट की स्पीड होती कभी भी स्ट्रीम के बराबर नहीं होगी, अगर इस बोट और स्ट्रीम की स्पीड बराबर हो गई तो बच्चे कभी भी बोट आपकी ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, पर बच्चे अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होगी, 0, तो 5 तो हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। चलो चेक करते हैं पहला ऑप्शन, अगर बच्चे हम y इक्वल टू 2 पुट करें, यहाँ पे y इक्वल टू 2 रखो, तो 5 + 2 कितना होगा, 7, और 7 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, यहाँ से बच्चे कितना मिला, 2। अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू 2 रखेंगे तो 5 - 2 कितना होगा, कहोगे सर 3, और 3 का डिवाइड किया बच्चे कितना होगा, 3, और 2 + 3 कितना होगा, 5, यानी आपकी इक्वेशन हो गई क्या सेटिस्फाई, यानी बच्चे y की जो वैल्यू आने वाली क्या है, कहोगे सर y की वैल्यू आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते रहो, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी आपको बोला कि ये जो सेशन है ये मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, और इनको मैं आपके साथ देख रहा हूँ, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे आप उसे प्रॉपर लिखिए, मैं सारे डाउट्स आपके देख रहा हूँ, और मैं इसका रिप्लाई भी करूँगा आपको तुरंत, ठीक है गाइस। तो भाई सभी लोग देखिए और बताइए मेरे को, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दो कि सर समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ये लीजिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट टेक्स 26 आवर फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलिए क्या देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। आप लोग भी क्या करिए, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। देखिएगा ये एक आपकी, ये बच्चे एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है, ए और ये ए है, और ये बच्चे क्या है, बी है, और बच्चे ए और बी की बात करें तो ये ए और ये बी, ठीक है। आगे आपसे पूछ रहा है ए बी के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है देखो पहले इसने ट्रेवल क्या किया, सबसे पहले देख लो, कह रहा है अ बोट टेक्स 26 आवर फ्रॉम ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि पहले वो ए से बी डाउन स्ट्रीम गया है, डाउन स्ट्रीम का मतलब बच्चे ये आपकी स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। पहले वो ए से लेके बी तक गया है, पहले वो ए से लेके बी तक गया, फिर कहाँ तक वापस आया है, एंड रिटर्न फ्रॉम, और रिटर्न कहाँ था, एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी, और बच्चे सी तक वापस आया है, और जो सी है वो क्या है, मिडवे बिटवीन ए एंड बी, जो सी है बच्चे वो ए और बी का मिड पॉइंट है, जो बच्चे सी है वो ए और बी का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो बच्चे ये और ये डिस्टेंस कैसी होगी, क्योंकि सर ये दोनों डिस्टेंस आपकी इक्वल होंगी, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो भाई पहले ए से बी तक गया और फिर बी से लेकर सी तक वापस आया। अब जब देखो करने का तरीका क्या, कैसे करेंगे, अगर बच्चे हम इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को डी किलोमीटर लेट कर लें, अगर बच्चे हम इस डिस्टेंस को डी किलोमीटर लेट कर लें तो ये भी कितनी होगी, क्योंकि सर ये भी हमारी डी किलोमीटर होगी। अगर बच्चे ये डी किलोमीटर है और ये भी डी किलोमीटर है, यानी बच्चे हम कह सकते हैं कि ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि सर ए बी के बीच की डिस्टेंस होगी 2D किलोमीटर, कितनी होगी बच्चे 2D किलोमीटर, बहुत ध्यान समझते रहना। अब देखो आप क्या क्या गिवेन है, क्योंकि सर हमें बोट की स्पीड गिवेन है, तो भाई बोट की स्पीड बच्चे क्या है, क्योंकि सर बोट की स्पीड हमें जो गिवन है वो आपको दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर, और बच्चे बात करें स्ट्रीम की स्पीड की, तो भाई स्ट्रीम की स्पीड कितनी, क्योंकि सर 4 किलोमीटर पर आवर,
बहुत ध्यान समझना। तो पहले आप ए से लेके बी तक गए, कितना समय लगेगा? तो टाइम इक्वल टू बच्चे क्या होता है, कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कंप्यूटर ये क्वेश्चन हटा दीजिए। हाँ, तो डिस्टेंस कितना जा रहा है, कहोगे सर ए के बी के, ए से लेके बी के बीच की डिस्टेंस बच्चे कितनी, कहोगे सर 2d। और स्पीड क्या होगी, कहोगे सर डाउन स्ट्रीम जा रहे हो ना बच्चे, तो डाउन स्ट्रीम जाओगे तो 10 + 4 = 14, आपकी 14 स्पीड होगी। बोलो ये बच्चे क्या है, ये ए से बी तक जाने में लगा समय। अब आप रिटर्न आ रहे हो, रिटर्न कितना आ रहा है, कहोगे सर रिटर्न केवल बी से लेके सी तक आए, यानी गए 2d है तो रिटर्न कितना आ रहा है, केवल डी डिस्टेंस आ रहे हैं। तो भाई डी डिस्टेंस रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन एक बात देखो कितना समय लगेगा, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो डी आ रहा है, पर स्पीड कितनी होगी, बच्चे गए डाउन स्ट्रीम है तो रिटर्न कैसे आएंगे, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम स्पीड होगी 10 - 4, कितना होगा 6। और अप डाउन में बच्चे जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 26 घंटे का समय लग रहा है। बोलो क्लियर है? अगर हम इसको 2 से कैंसिल कर दें कितना आएगा, 7। बोलो क्लियर हो गया? सबसे पहले बच्चे आप इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 42। 6d + 7d इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, इधर हो गया 26। तो आगे इसको और सॉल्व कर दें थोड़ा, तो 7 + 6 कितना होगा 13d / 42 इक्वल टू 26। तो ये इससे कैंसिल कर दिया 2, और d इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 84 किलोमीटर। बच्चे d इक्वल टू कितना गया 84, लेकिन d क्या है, क्योंकि सर d तो आधी डिस्टेंस है और हमें क्या निकालना, हमें ab के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो भाई ये है 2d, 2 × 84 कर देंगे कितना आ जाएगा 168 किलोमीटर। ये बच्चे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताते रहो यार कि सर हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ बिल्कुल। तो भाई बताते रहो, एक बार जल्दी से सभी लोग लिख दीजिए कि सर कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए ये लो मैं हट गया, स्क्रीनशॉट भी लेते रहो। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से बताओ यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है अ बोट टेक्स 5 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी एट 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फ्रॉम पॉइंट बी। मतलब ये लाइन बहुत जरूरी है कि जो वापस आए वो 3/4 आए, कहाँ से, बी से 3/4 है। ठीक है, आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 3 km/h एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 km/h, वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पूछ रहा बच्चे ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होने वाली। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बच्चे ये एक सर्टेन डिस्टेंस है, ये बच्चे एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है, ये ए है और बच्चे ये बी है। पहले आप ए से लेके बी तक गए और फिर वापस आए हो कहां तक, कहोगे सर वापस आए हैं सी तक। बच्चे ए से लेके बी तक गए और सी तक वापस आए, और बच्चे जो सी की, जो सी है वो ए बी के बीच की डिस्टेंस की क्या है, 3/4 है। यानी थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3/4 का मतलब क्या हो गया कि अगर बच्चे ये डी है तो ये 3d/4 होगा, ये कितना होगा 3d/4 होगा। यार इस तरीके से तो कैलकुलेशन फंस जाएगी हमारी ना, ऐसा क्या करें कि थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो बच्चे इसके लिए आपको करना क्या है, हमेशा डिनोमिनेटर को टारगेट किया करो। क्या मान लो कि ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चे, कहोगे सर ए बी के बीच की डिस्टेंस को अगर हम 4d लेट कर लें, क्या ए बी के बीच की डिस्टेंस बच्चे क्या है 4d। अगर 4d का बच्चे 3/4 करेंगे कितना, कहोगे सर 3d। यानी बच्चे बी सी के बीच की डिस्टेंस कितनी, कहोगे सर 3d। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, आप जो ए से लेके बी तक गए हो किधर गए हो, कहोगे सर ए से लेके बी तक गए वो डाउन स्ट्रीम गए। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो भाई ये आपकी क्या होगी, स्ट्रीम की डायरेक्शन होगी। आगे देखो, पहले आप ए से लेके बी तक जाओगे और फिर आप बच्चे बी से लेके सी तक वापस आओगे, तो कुल आपने कितना समय लिया है, तो कहोगे सर कुल जर्नी में हमने कितना समय लिया है, कहोगे सर 5 घंटे का समय लिया है। तो कैसे करेंगे, जाने में बच्चे हमें कितना समय लगेगा, टाइम कैसे निकालते हैं, कहोगे सर टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई डिस्टेंस जा रहे हैं कितना 4d और स्पीड कितनी होगी, क्योंकि सर स्पीड होगी हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। यानी बोट की है बच्चे 9 और स्ट्रीम की है 3, 9 = 3, 12 प्लस। अब हमें 3d वापस भी तो आना है, अब कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब स्पीड कितनी होगी 9 - 3,
9 माइनस 3 बच्चे कितना होगा 6, और अप डाउन बच्चे कुल कितना समय लग रहा है, कहोगे सर अप डाउन में कुल मिला के हमें 5 घंटे का समय लग रहा है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते, 4 से कैंसिल कर दें कितना आएगा 3, और 3 से कैंसिल कर दें बच्चे कितना आएगा 2, तो भाई एलसीएम कितना जाएगा, कहोगे सर 6, ये डी ये 2 उधर चलाएगा 3 इधर चलाएगा, यानी 2d प्लस 3d कितना हो गया 5d इक्वल टू बच्चे कितना हो गया 5, ये कैंसिल हो गया यानी d बराबर कितना आएगा, कहोगे सर 6, d की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 6, और AB के बीच की डिस्टेंस कितनी, कहोगे सर AB के बीच की डिस्टेंस तो हमारी 4d है, यानी बच्चे अगर d बराबर कितना 6 तो भाई AB की डिस्टेंस कितनी होगी, कहोगे सर AB की डिस्टेंस चाहिए कंप्यूटर एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए जरा, तो AB के बीच की डिस्टेंस है बच्चे 4d, तो 4 गुणे 6 कितना होगा 24 किलोमीटर, तो बच्चे भाई AB के बीच की डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर क्लियर हो रहा है, जल्दी से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, जरा सा भी अगर रत्ती भर भी बच्चे कोई डाउट है तो तुरंत क्लियर कर लो, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये जितने भी क्वेश्चंस बच्चे मैं अभी आज की डेट पे करवा रहा हूं ये सारे के सारे आपको दोबारा करने हैं अपने पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ये लीजिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो भाई ये बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा यार, क्योंकि मुझे पता है आप लोग काफी थके हुए हो और त्योहार में बिल्कुल अभी आपका बिल्कुल सर भारी सा हो रहा होगा, तो आप लोग क्या करिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में अभी दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। चलिए कंप्यूटर ये क्वेश्चन हटा दिए, एंड अगेन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली, ओके बाय।